हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ बटर मशरूम। ये खाने में बहुत ही स्वादिष्ट होता है, आप चाहे तो बहुत आसानी से बना सकते हैं। ये बहुत इजी रेसिपी है, क्विक रेसिपी है। तो देखते हैं किसको मैंने कैसे बनाया। मैंने यहाँ पे बटन मशरूम लिया है। ये मशरूम मैंने ब्लिंकिट से मंगवाया था, ये नॉर्मल मार्केट में भी मिल जाता है। तो इसको मैंने अच्छे से क्लीन करके धुल के जो बड़े बड़े साइज़ के मशरूम्स थे उनको मैंने चार हिस्सों में काटा है, और जो छोटे छोटे साइज़ के मशरूम्स थे उनको मैंने दो हिस्सों में काटा है। और साथ ही में हमें यहाँ पे लगेगा मैरिनेशन के लिए दही, तो मैं दही को अच्छे तरीके से फेंट ले रही हूँ ताकि इसमें कोई भी लम्ब्स ना रहे और ये बहुत स्मूथ क्रीम की तरह हो जाए। तो यहाँ पे मैंने मैरिनेशन के लिए दही लिया है, और साथ ही में मैंने कुछ मसाले लिए हैं, जैसे कि मैंने लाइक थोड़ा हल्दी पाउडर, आधे चम्मच के लगभग हल्दी पाउडर लिया है, हाफ चम्मच मैंने यहाँ पे गोल मिर्च का पाउडर, और हाफ चम्मच मैंने यहाँ पे लिया है गरम मसाला पाउडर। और साथ ही में मैंने यहाँ पे कसूरी मेथी को क्रश हाथ से क्रश करके इसमें मिक्स कर दिया। बस यहाँ के मसाले इतने ही रहेंगे। इसको अच्छे से मिक्स किया मैंने स्पून से। मैंने एक्चुअली कोशिश किया था कि स्पून से मैं अच्छे तरीके से मिक्स कर लूँ, मैरिनेट कर लूँ, बट नहीं हुआ, तो मैंने ऑफ कैमरा इसे हाथों से मैरिनेट कर दिया अच्छे तरीके से, और ये ऐसा दिख रहा था मैरिनेट होने के बाद में। और इसको मैंने लगभग 10 से 15 मिनट के लिए ढक के छोड़ दिया। तो अब देखते हैं इसे बनाने के लिए क्या क्या चीज़ें चाहिए। तो यहाँ पे मैंने ये मैरिनेशन किया हुआ जो मशरूम है ये लिया है, साथ ही में कुछ खड़े गर्म मसाले लिए हैं जैसे कि दालचीनी, लौंग, इलायची, और साथ में यहाँ पे साबुत जीरा भी पड़ेगा, तो मैं यहाँ पे दिखाना भूल गई हूँ बट बाद में ऐड कर दूंगी। और यहाँ पे साथ में लिया है दो टमाटर, दो मीडियम साइज के प्याज को मैंने बारीक चॉप कर लिया है, और साथ ही में 3 से 4 ग्रीन चिलीज ली है। और साथ ही में सबसे लाइक इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है यहाँ पे लिया है मैंने काजू का पेस्ट। आप चाहे तो यहाँ पे क्रश्ड काजू यूज़ कर सकते हैं, बट मुझे ये अच्छा लगता है तो मैंने यही ले लिया। अब देखते हैं इसे मैंने बनाया कैसे। तो यहाँ पे मैंने ऑयल लिया है, ऑयल में 1 चम्मच घी ऐड किया, आप चाहे तो बटर ऐड कर देना, और साथ ही में जो खड़े गरम मसाले साबुत जीरा था वो थोड़ा सा फ्राई कर लिया ताकि उसका जो फ्लेवर है ऑयल में अच्छी तरीके से इन्हेंस हो जाए। और फिर साथ में मैंने यहाँ पे जो ऑनियन है वो डाल दिया। ऑनियन को मैंने ट्रांसलूसेंट होने तक पकाया है लाइक 3 से 4 मिनट, मोर देन इनाफ था। और उसके बाद मैंने उसमें ऐड कर दिया जिंजर गार्लिक का पेस्ट, और साथ ही में मैंने ऐड कर दिया ग्रीन चिलीज। इसको थोड़ी देर मैंने फ्राई कर लिया अच्छे तरीके से, और इसमें हम ऐड करेंगे कुछ मसाले। तो मसालों में मैंने यूज़ किया है रेड चिली पाउडर जो कश्मीरी लाल मिर्च है, और मैंने यहाँ पे यूज़ किया 1/2 टेबल स्पून हल्दी, और साथ ही में यहाँ पे मैंने धनिया पाउडर यूज़ किया है 1 चम्मच के लगभग, और साथ में मैंने इसमें थोड़ा ऐड कर दिया है पानी। अगर पानी ना दो तो मसाले भूनने में जल जाते हैं, इसलिए थोड़ा सा पानी ऐड कर दिया है, और इन मसालों को अच्छे तरीके से भून लिया। ये मसाले जब अच्छे तरीके से भून जाए, इनसे ऑयल रिलीज़ होने लगे, तब हम इसमें टमाटो ऐड कर देंगे जो हमने बारीक चॉप करके रखा हुआ था। टमाटर के साथ में मैंने थोड़ा सा पानी ऐड किया है और थोड़ा सा नमक ऐड कर दिया, जिससे टमाटर जल्दी से पक जाएंगे और मैश्ड हो जाएंगे, सॉफ्ट हो जाएंगे अच्छे तरीके से। जब ये अच्छे तरीके से भून जाए टमाटर के साथ भी, अब हम इसमें ऐड कर देंगे हमारा मैरिनेशन किया हुआ जो मशरूम है उसे। इसमें हमें थोड़ा सा भी पानी ऐड नहीं करना है, याद रखें हमने इसमें दही का इस्तेमाल किया है, तो दही ऑलरेडी पानी बहुत ज़्यादा रिलीज़ करता है। यहाँ देखिए, देख के लग रहा है ना कि पानी ऐड किया है, लेकिन इसमें मैंने थोड़ा सा भी पानी ऐड नहीं किया है, आप भी मत कीजिएगा। इसको थोड़ी देर पका लेंगे इस तरीके से ढक्कन लगा के 10 मिनट के लिए। जब ये 10 मिनट में पक जाएगा थोड़ा सा, फिर हम लोग इसमें काजू का जो पेस्ट है वो मैंने डाला है। आप चाहे तो क्रश्ड काजू भी यूज़ कर सकते हैं, बट मुझे यहाँ पर ये कन्वीनियंट लगता है तो मैंने काजू का पेस्ट ही यूज़ किया है। और फिर इसको ढक के 5 से 7 मिनट पकाना है, ध्यान रहे उससे ज़्यादा ना पकाए वरना काजू डाला है ना तो ये चिपक जाता है। और देखिए, मैंने 5 से 7 मिनट के बाद में ढक्कन आया और तब भी ये थोड़ा सा चिपकने लगा, तो ऑलमोस्ट ये हो ही गया है, बहुत जल्दी बन जाता है मशरूम। 10 मिनट में ये हो गया बहुत अच्छी तरीके से, और ये ऑलमोस्ट पक के तैयार है। इसे आप लाइक पराठा, नान, रोटी, इन सब के साथ खा सकते हैं, ये बहुत ही टेस्टी लगता है। और आपने देख ही लिया होगा वीडियो में कि बहुत इजी है इसे बनाना, तो आप भी अपने घर में बनाना और मुझे कमेंट डाउन करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।